मतलब मैंने पढ़ा था कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, उन्हें मतलब और राष्ट्र भी मतलब अपनी नागरिकता देना चाहते थे देश की स्वेच्छा से। हाँ वो अगर वो लेते तो अगर 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 सपोज वो ले 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 लेते कहीं की नागरिकता, तो इन्हें इंडिया की नागरिकता छोड़नी पड़ती या वो ले सकते थे अगर अपनी इच्छा से अगर देना नहीं, चाहते तो? जिस दिन दूसरे देश का नागरिक उन्होंने ले लेंगे उसी दिन ही उनका नागरिकता भारत का खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? यस भारत में यस डबल सिटीजनशिप है नहीं, डबल सिटीजनशिप नहीं रहेगा। देखिए आप लोग जानते हैं कि बहुत से लोग यहाँ के जो पहले वैज्ञानिक हुए, उसके बाद डॉक्टर वगैरह, वो अमेरिका में जाके बस गए, तो उनको नागरिकता नहीं दे सकती है। अब जानते हो उनको एक नया शब्द आजकल आप लोगों ने सुना होगा, एनआरआई, नॉन इंडियन रेजिडेंस कहा जाता है। एनआरआई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एनआरआई का यस मतलब सर क्या? हाँ, एनआरआई कहते हैं, एनआरआई का मतलब उनको नागरिकता नहीं दी गई है। समझ लीजिए बात को। अभी देखिए इस बातों पे विचार चल रहा है, इसमें विचार चल रहा है, जो एनआरआई है उनको क्या वोटिंग पावर दिया जाए कि नहीं दिया जाए, ये बात चल रहा है। उसके बाद क्या एनआरआई को नागरिकता नहीं है वोटिंग पावर देने, और देखिए एनआरआई को वोटिंग पावर देने का और कुछ सुविधा देने का और गवर्नमेंट का दूसरा एक मोटो अलग है। उनका मोटो है कि ये जो लोग बाहर चले गए ना, इनके पास क्या है, बहुत सारे संपत्ति है, पैसा है, क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा बिजनेस करके या जो भी करके बनाया होगा उन देशों में। तो भारत सरकार ये चाहते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो, यानी यहाँ पे वो लोग निवेश करें। इसके लिए ये सारे चीज किया जा रहा है। बहुत सारे आप लोग देखते हैं, जब भी मोदी जी या ना राहुल गांधी अमेरिका में जाता है, तो हमारे जो भारतीय मूल के जो लोगों को वहां पे रहते हैं उनका एड्रेस करते रहते हैं, या जापान में कहीं भी जाता है, देखा ऑस्ट्रेलिया में गए थे, जापान में, अमेरिका में गए थे, ये सब होते रहते हैं। तो उनका क्या है, एक तरह से मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है, जिसको मानसिक सपोर्ट कहते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, वो लोग सक्षम है जो भी यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि वो जो लोग गए हैं वो लोग क्या है, या तो पहले से संपन्न लोग थे या पहले से एजुकेटेड लोग थे, इसलिए उनके पास यहाँ के लोगों के अपेक्षा ज्यादा पैसा है, तो उनको भी अपने पाले में लेना हर कोई चाहेगा। इसलिए क्या होता है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। अगर जिस दिन भी कोई व्यक्ति दूसरी नागरिकता ले लेंगे, तो उस दिन उनका नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगा, एनआरआई के रूप में रह सकता है वो अलग। चलिए ओके अब सर, देखिए, क्या किसी कंट्री में ऐसा है कि हम दोहरी नागरिकता ले सकते हैं और कोई दूसरी कंट्री, हाँ ले सकते या हैं, हमारे ही कंट्री मतलब ले और सकते हैं। कंट्री तो अलाउ करती होगी या सिर्फ इंडिया में देखिए ऐसा है? हमारे देश, नहीं, हमारे देश से आप नहीं ले सकते। जैसे आप लोग क्या है, जैसे अमेरिका से दूसरे देश में ले सकते हैं, जापान से दूसरे देश में ले सकते हैं, कुछ देश है, सभी देश नहीं देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे चीज होते हैं ना, सिक्योरिटी का इशू आ जाता है बहुत सारा। जब आप दो देशों के नागरिकता लेंगे तो सिक्योरिटी का इशू बहुत ज्यादा हो जाता है। और दूसरी बात है कि जिन देशों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो देश ऐसा करेगा भी क्यों, क्योंकि एक तो खुद का अपना पॉपुलेशन संभाला नहीं जा रहा है, अब दूसरे के, और दूसरी बात है कि ऐसे देने पे जो लोग शिक्षित व्यक्ति है, जो लोग, जो देश गरीब होता है ना, उन देशों से लोग पलायन कर जाएगा। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, ब्रेन ड्रेन का नाम सुना होगा, इंडिया से बहुत लोग ब्रेन ड्रेन किया। ब्रेन ड्रेन मतलब यहाँ के जो अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर है वो सब चले गए बाहर, भाई यहाँ के IIT से पढ़ के सब चले गए बाहर। अब बताइए जो सुंदर पिचाई हो गया, उसके बाद जो भी सत्य नडेला वगैरह हो गया, ये सब कहाँ से पढ़े हैं, वो इंडिया से तो पढ़ के गए, IIT से पढ़ के गए ना। तो अगर वो लोग अमेरिका के जो कंपनी उसमें ना काम करते, क्योंकि भारत में अगर कोई स्टार्टअप बढ़िया चला पाते तो भारत को फायदा ज्यादा होता ना। यही तो, यही से पढ़ के बहुत सारे ऐसे डॉक्टर है जो भारत के एम्स से पढ़ के क्या था, अगर अमेरिका में जॉब कर रहे, अगर वो भारत में अगर इंस्टीट्यूट खोलते तो ज्यादा भारत के, आप देखिए भारत में डॉक्टरों का कितना ज्यादा कमी है। तो ये बहुत सारे इश्यूज है जो सॉल्व नहीं होता। अब दूसरी बात है कि लोगों का फ्रीडम है, चाहे वो इंडिया रहे, दूसरी जगह पे रहे। अभी यही तो आपको मौलिक अधिकार में बताया जा रहा है कि आप चाहे तो इंडिया में रह सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, जहां पे आपको सुविधा मिले। तो इस, तो यही तो आपको मौलिक अधिकार बताया जा रहा है। जगह अब देखिए आर्टिकल 18 देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा पूछेगा। देखिए इसमें उपाधि, उपाधि मतलब टाइटल, उपाधि का अंत कर दिया, अंत ने हटा दिया, रिमूव कर दिया। उपाधि मतलब जैसे लोग क्या कहते थे, राजा का उपाधि लेते थे, महाराजा की उपाधि लेते थे, राय बहादुर,
नवाब, सर, नाइटहुड, बहुत सारे ऐसे उपाधि हुआ करता पहले, उन सभी का क्या अंत कर दिया गया कि कोई व्यक्ति सब एक जैसा नाम रखेंगे, किसी के सामने लॉर्ड वगैरह रहते हैं तो किसी के नाम के सामने रखेंगे। लेकिन इसमें दो प्रकार के उपाधि दिया गया था, दो को छोड़ के सब में किया गया था, एक शैक्षिक उपाधि, शैक्षिक उपाधि जैसे आप पीएचडी करते हैं, एमए करते हैं, बीएड करते हैं, ये सब अपने नाम के आगे लिख सकते हैं, या डॉक्टरी करते हैं, इंजीनियर है, ये सब लिख सकते हैं, इसको कहते हैं शैक्षिक उपाधि या शैक्षणिक उपाधि कहा जाता है, एजुकेशन जो टाइटल होता है ये ले सकते हैं। और दूसरा था सैन्य, सैन्य उपाधि जैसे कर्नल हो गया, जनरल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, इन दोनों को क्या है छूट दिया गया था, और बाकी जितने भी उपाधि है सबको क्या है अंत कर दिया, खत्म कर दिया गया। तो शैक्षिक में क्या है, कोई एमए किया है, कोई शास्त्री बन रहा है, कोई अलग अलग बनते रहते हैं, अब लोग जानते हैं, तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसके बाद क्या है पीएचडी होल्डर है, एमफिल है, बहुत सारा चीज होते हैं, वो सब लगा सकते हैं, लेकिन क्या है और चीज नहीं लगा सकते। सैन्य में क्या होता है, सैन्य अधिकारी जो होते हैं वो अपने सामने लगा सकते हैं, लेकिन क्या क्या इनमें थोड़ा सा बदलाव करके 1954 में चार और क्या है नागरिक उपाधि को जोड़ा गया, जिसे कहते हैं नागरिक उपाधि, सिविल अवार्ड कहते हैं। इसमें कौन कौन सा है, चार, एक है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है भारत पद्म भूषण, और चौथा है पद्म श्री। आप लोग जानते हैं 26 जनवरी से पहले दिन इसको दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी से पहले दिन इसको दिया जाता है। तो ये कब जोड़ा गया, 1954 में जोड़ा गया है, 54 में जोड़ा गया है, इसको नागरिक उपाधि कहा जाता है, सिविल अवार्ड कहा जाता है इसको। भारत का जो सर्वोच्च सिविल अवार्ड है उसे कहते हैं भारत रत्न, भारत रत्न के बारे में आप लोग जानते हैं, दिए है उत्तराखंड में एक व्यक्ति को मिला है, गोविंद वल्लभ पंत जी को मिला है, तो भारत रत्न है। पद्म विभूषण बहुत से लोगों को मिलते हैं, लेकिन भारत रत्न बहुत ही कम लोगों को मिला है, पद्म भूषण उससे कम जोड़ा है, और पद्म श्री बहुत लोगों को मिलता है। हर साल क्या होता है लगभग दिया जाता है, लगभग देता है हर, कभी कभी किसी साल में भारत रत्न नहीं मिलता है, लेकिन बाकी ये तीनों हर साल दिया जाता है। भारत रत्न को छोड़ के पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री ये हर साल दिया जाता है। भारत रत्न क्या था, कभी कभी बीच में गैप भी हुआ है तो उसको कभी कभी रोक भी दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये चार उपाधि कब जोड़ा गया है, आवाज नहीं आ रही। ठीक ठीक है, भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को दिया जा सकता है, पहली बात पर। तो भारत रत्न क्या है, भारत के नागरिक को भी दिया जा सकता है और विदेशी नागरिक को भी दिया जा सकता है, कभी बात तो करिएगा। और भारत रत्न जो व्यक्ति मिलता है उनको कोई भी राज्य में अगर वो जाएंगे तो उसको राजकीय अतिथि के रूप में उनको सम्मान मिलता है, आवास वगैरह वगैरह फ्री उनको सब कुछ मिलता है, सरकारी सुविधा मिलता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, किनको दिया गया था वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला जो भारत रत्न दिया गया था, एक साथ तीन व्यक्ति को दिया गया था,
1954 में। ये तीन व्यक्ति हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन को दिया गया था। आप सभी राधा कृष्णन को जानते हैं, सर्वपल्ली, जिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, इनको दिया गया। आप जानते हैं इनके बारे में कि फिलोसफी, बहुत बड़े फिलोसफी थे, सर थे। दूसरा दिया था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, उत्तराखंड का जो राजा जी नेशनल पार्क है, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। इनके नाम से पहले क्या था, राजा जी आता है, राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो राजा जी नेशनल पार्क क्या है, इनके नाम पे रखा गया, जो हरिद्वार और क्या है देहरादून के बीच में है। और तीसरा था डॉक्टर सीबी रमन। देखिए तीनों व्यक्ति बहुत ही महान व्यक्ति माना जाता है भारत का। ये बहुत बड़े क्या है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे हमारे देश के। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे, गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। और सीवी रमन क्या है, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, फिजिक्स के ज्ञाता थे। और इन्होंने एक खोज किया था जिसका था रमन प्रभाव, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। और इस रमन प्रभाव का इनको क्या है, इसको नोबेल प्राइज मिला था। और इन्हीं के जो जन्मदिन है उसी पे भारत में क्या है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, साइंस डे। क्योंकि एक चीज से बहुत चीज आप लोगों को याद होगा। और इनके क्या होता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, ये आने वाला है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं सब, क्योंकि आप लोग सब शिक्षक हैं, तो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली को दिया गया था, राजा जी चक्रवर्ती गोपालाचार्य को दिया गया था, और सीवी रमन को दिया गया था। ये तीन व्यक्ति को एक साथ 1954 में दिया गया था, पहला भारत रत्न दिया गया था। धन्यवाद। और विज्ञान दिवस सीवी रमन के नाम पे रखा जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। धन्यवाद। और रमन इफेक्ट इन्होंने खोज किया था, रमन इफेक्ट, जो फिजिक्स में जो कलर्स होते हैं उनको जो अलग अलग करने का जो इफेक्ट डाला गया था, कलर अलग अलग होते हैं और उसका जो वेवलेंथ अलग अलग होते हैं, तो वेवलेंथ से क्या इफेक्ट आता है उसको रमन इफेक्ट कहा जाता है। तो उनके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, तो इनको दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बार तो विदेशी को क्या है, भारत रत्न दिया गया है। तो विदेशी कौन कौन से है, इंपॉर्टेंट है, सभी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विदेशी वाले बहुत बार पूछा गया। विदेशी व्यक्ति, दो विदेशी व्यक्ति को दिया गया था, एक पाकिस्तान के एक व्यक्ति को दिया गया था और एक दक्षिण अफ्रीका। पाकिस्तान में जिस व्यक्ति को दिया गया था उसका नाम है अब्दुल गफ्फर खान, इनको दिया गया है। और इनको दिया है नेल्सन मंडेला को दिया गया, मंडेला को दिया गया। ये क्या है, नस्लवाद के बहुत बड़े विरोधी थे, ठीक है। और इनके जन्म दिवस को
क्या मनाया जाता है, नस्ल विरोधी दिवस मनाया जाता है। समझिएगा ये क्यों फेमस है, आपको बताऊंगा। उत्तराखंड में एक बहुत महान व्यक्ति हुए हैं, आप लोग नाम सुने होंगे, वीर चंद्र सिंह गरवाली। अगर आप लोग नाम सुने होंगे तो वीर चंद्र सिंह जो गरवाली थे, वो गरवल राइफल के क्या थे, उस समय के सूबेदार थे। तो ये जो अब्दुल गफ्फर खान है, था या खान है, ये जो इस समय जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान के उस क्षेत्र में आंदोलन कर रहे थे, जिस आंदोलन का नाम था रेड सैट मूवमेंट, यानी लाल कुर्ती आंदोलन। तो अंग्रेजों ने क्या है, वीर चंद्र सिंह गरवाली को इस आंदोलन पर गोली चलाने का ऑर्डर दिया था 1931 में, यानी कब, 1931 में। तो वीर सिंह गरवाली ने इस आंदोलन के जो लोग थे उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। बाद में वीर सिंह गरवाली जी को क्या है, कोर्ट मार्शल हो गया था, कोर्ट मार्शल जो सैन्य अधिकारी होते जो बात जब नहीं मानता तो उसको कोर्ट मार्शल किया जाता है, तो कोर्ट मार्शल कर दिया था और उनको सेना से हटा दिया गया था। तो वो क्या है, लाल शर्ट आंदोलन, या कह सकते हैं लाल कुर्ती आंदोलन के क्या थे, जनक थे। कौन सा आंदोलन ना, और इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, लाल कुर्ती आंदोलन के जनक थे। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं, सीमांत गांधी भी कहा जाता सीमांत गांधी। जहां भी हर चीज को जोड़िएगा एक दूसरे से। तो इन दो व्यक्ति है, इन दोनों को क्या है, जो विदेशी व्यक्ति, अब तक की बात बोल रहा हूँ, ठीक है, अब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा कि नहीं होगा वो बात है। तो पाकिस्तान के अब्दुल गफ्फर खान को दिया गया था और अफ्रीका के डॉक्टर नेल्सन मंडेला को दिया गया था। ठीक है, पहले ये बात की गई थी कि जो भारत रत्न है वो जीवित व्यक्ति को दिया जाएगा, लेकिन बाद में 1990 के दशक में जब सुभाष चंद्र बोस को दिया, चंद्र बोस का डेथ अब हुआ कि नहीं हुआ, अभी इतना साल तक तो जिंदा तो नहीं रहेंगे, तो उनको दिया गया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लोगों ने उसको लेने से मना कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के घर वाले, उनके जो परिवार वाले हैं, उन्होंने भारत रत्न नहीं लिया है। कभी कोई पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा भारतीय है जिन्होंने उनको भारत रत्न दिया गया है जो स्वीकार नहीं किया गया है, वो सुभाष चंद्र बोस है। और सुभाष चंद्र बोस पहले व्यक्ति थे जिनको मरण मरण उपरांत जिसे कहते हैं, यानी डेथ के बाद भारत रत्न दिया गया, सबसे पहली बार डेथ के बाद क्या है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति क्या है, सुभाष चंद्र बोस है, लेकिन उनको उन्होंने उनको प्राप्त नहीं किया। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, इसके बाद बहुत सारे लोगों को दिया गया, जैसे अब्दुल कलाम को दिया गया, लता मंगेशकर जी को दिया गया है, इंदिरा गांधी हो गया, राजीव गांधी हो गया, उसके बाद क्या है, जवाहरलाल नेहरू हो गया, उसके बाद सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, उसके बाद क्या कहते हैं उसका नाम, अभी लास्ट में 2019 में तीन व्यक्तियों को दिया गया। 2019 के बाद क्या है, भारत रत्न अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। 2019 में तीन व्यक्ति को दिया गया था, एक प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, एक महाराष्ट्र के नानाजी पाटिल को दिया गया था, और एक आसाम के जो बहुत बड़े संगीतकार थे भूपेन हजारिका को दिया गया था। ये लास्ट टाइम दिया गया है, इसको भी था ध्यान दीजिएगा, और बहुत सारे लोगों को दिया गया था। उन सारे काम को व्हाट्सएप में क्या है, फोटो भेज देंगे उसको, पीडीएफ वाला, क्योंकि सबका लिखाना कोई जरूरी नहीं है। तो लास्ट टाइम किनको दिया गया था, उनको देखिए 2019 में किनको दिया गया था, तो 19 को प्रणब मुखर्जी को दिया गया था जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे। दूसरा है नानाजी देशमुख को दिया गया था, और तीसरा है भूपेन हजारिका को दिया गया था। ये बंगाल से हैं, ये महाराष्ट्र से हैं, और ये क्या है, असम से। इनको क्या है, समाज सेवा और राजनीति पर दिया गया था, समाज सेवा पर दिया गया था मेनली।
इनको भी समाज सेवा पर दिया गया था, और इनको दिया गया था संगीत पर दिया गया था। आप लोग जानते हैं जो भूपेन हजारिका है, बहुत बड़े क्या संगीत, मतलब संगीत क्या, ये हर कुछ किया है, ये खुद एक्टर भी थे, ये खुद गायक भी थे, ये संगीतकार भी थे, ये कुछ डायरेक्टर भी थे, मतलब जितने भी कला उनको फिल्म जगत के सब कुछ करते थे। और भूपेन हजारिका एक ऐसा व्यक्ति है जिनको भारत रत्न भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म श्री भी मिला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, चारों जो आपको बताया अभी, चार प्रकार के जो अवार्ड था, उन चारों अवार्ड इनको मिला है। तो ये मिलने वाला क्या पहला व्यक्ति है, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति है, इनको इन चारों चीज इनको मिला है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले क्या सचिन तेंदुलकर को मिला था, हम लोग जानते हैं। उससे पहले क्या है, उनको मिला था, क्या कहते हैं, जो बाल संरक्षण करने वाले थे, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आएगा तो बता दूंगा। तो इन लोगों को क्या है, ला सत्यार्थी ठीक हाँ उनका नाम मुझे याद आ रहा था लेकिन जमान पे नहीं आ रहा है, जो बचपन बचा जो संस्थापक है, सर, कैलाश सत्यार्थी सत्यार्थी को दिया गया था, उनको नोबेल भी मिला था, कैलाश सर। बचपन बचा। तो ये तीनों के क्या है लास्ट टाइम दिया गया है, इसके बाद क्या अभी तक किसी को दिया नहीं गया है। देखिए जब अगला जब आएगा तो बात करेंगे, ठीक है। तो इन लोगों को क्या दिया गया है, अब आते हैं आर्टिकल 19 पे। नाइनटीन, ओके ओके कर दीजिए। अभिव्यक्ति किस आजादी या स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति के मतलब स्पीच, राइट टू स्पीच जिसे कहते हैं। देखिए इसमें केवल अभिव्यक्ति की बात नहीं किया गया, इसमें 6 प्रकार की बात की गई है, कुल मिला क्या है 6 टाइप की बात की गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। वो 6 प्रकार के क्या क्या है, पहले पहले समझ लीजिएगा। देखिए पहली बात तो इसमें बोला गया कि कोई भी जो व्यक्ति है वो अपने बात को किसी के सामने रख सकता है, चाहे वो व्यक्ति गलत क्यों ना है। इसलिए आप लोग देखे होंगे जो अपराधी होता है उनको भी पक्ष रखने का अधिकार दिया जाता है। आप लोग देखा होगा कसाब थे, कसाब कितने बड़े आतंकवादी थे, उनको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया गया, या जो भी देखिए अपराध करते हैं सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाता है। तो पहली बात है कि सबको क्या है, अभिव्यक्ति करने का आजादी दी गई कि अपने बात को रखिए, जब दूसरा कोई बंदा है उनके बातों को नहीं सुनेंगे तो फिर आप अपने मन से कैसे डिसीजन लेंगे। इसलिए देखिएगा भगवान ने भी क्या है शरीर का स्ट्रक्चर भी सही से बनाया है, जो हमारे माउथ एक दिया है और कान दो दिया है, कम बोलिए और सुनिए ज्यादा, लेकिन जो लोग ज्यादा बोलते हैं अब क्या कर सकते उसके लिए। तो स्ट्रक्चर भी क्या है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट करो, गॉड ने बहुत बढ़िया बनाया है, इसलिए सबके बात को सुनना चाहिए, नहीं सुनेंगे तो क्या डिसीजन सही से हो नहीं सकता है, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। तो पहली बात है कि बोलना, और बोलने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलिए, जो मर्यादित भाषा होता है उसको बोल सकते हैं, और अगले वालों को सुनना जरूरी भी है। दूसरी चीज क्या है, भारत के किसी भी राज्य में या किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं या बस सकते हैं, कुछ सेंसिटिव जगह को छोड़कर, जैसे कुछ सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई सेंसिटिव एरिया है उनको छोड़ के आप कहीं भी घूम सकते हैं। अब ये नहीं बोलेंगे कि हमें आर्मी वाले जहाँ पे लोग रहते हैं वहां पे जाके घूमना है, तो ऐसे जगह नहीं जा सकते हैं, या कहीं जहाँ सेंसिटिव हो गया या कोई बॉर्डर एरिया हो गया वहां नहीं जा सकते, दूसरी बात। तीसरी बात होती है कहीं पर बस सकते हैं, मतलब घर बना सकते हैं कुछ एरिया को छोड़कर। आप SC ST के जगह पर जमीन खरीद नहीं सकते हैं, बाकी तो आप कहीं पे भी जमीन करके बैठ सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि आप इस जाति के या इस धर्म के हैं आपको यहाँ पे जमीन नहीं देंगे। अब देख कुछ पहले उत्तराखंड में एक वीडियो ऐसा आया था, तो वो सही बात नहीं है, वो हमारे आर्टिकल 9 का क्या उल्लंघन है। तीसरी बात है कि अगर आपके बात को कोई मान नहीं रहा है तो शांतिपूर्ण क्या है
आप उनका विरोध कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर आपकी बात कोई नहीं मानता है, सरकार नहीं मानती है, तो आप लोग ग्रुप बना के या समुदाय बना के उनके क्या है, उनके प्रति क्या है, जन आंदोलन कर सकते हैं, बिना हथियार के जन आंदोलन कर सकते हैं। तीसरी बात है कि संगठन बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। कि कितने ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग गांव में शहरों में सुनते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, बना सकते हैं, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकता। हड़ताल हमारे संविधान में बैंड है, समझिएगा, हड़ताल आंदोलन कर सकते लेकिन हड़ताल का अनुमति नहीं है। आंदोलन और हड़ताल में अंतर होता है, ठीक है, धन्य। आंदोलन और हड़ताल में क्या होता है, अंतर होता है, धन्य इसको आप। तीसरी बात है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं, जो लीगल व्यवसाय, आप बोले कि मैं शराब बेचने लग जाऊंगा, ऐसे नहीं, शराब भी बेच सकते हैं, लेकिन क्या उसका लीगल प्रोसेस के अनुसार बेच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यवसाय या कोई भी बिजनेस कर सकता है। कोई ब्राह्मण है तो वो बाल काटने का भी दुकान लगा सकता है, और कोई शूद्र है वो भी क्या है, पूजा पाठ का दुकान लगा सकता है, तो इसमें कोई रोक नहीं सकता है। तो ये बात की गई है कि कोई भी व्यवसाय वे कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे बात की गई है। और इसी आर्टिकल 19(1)A में प्रेस, जो मीडिया है, मीडिया की स्वतंत्रता की बात की गई है। देखिए क्या क्या, कौन कौन स्वतंत्रता की बात की गई है, इसको लिख लीजिएगा। पहली बात क्या क्या की है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता, बोलिए लेकिन इतना मत बोलिए दूसरे वाले परेशान है, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी। दूसरा है आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा क्या है, कहीं पर बसने यानी निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। चौथा क्या है, शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण या शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का, संपन्न करने का। पांचवा है कोई भी व्यवसाय करने का, छठा है इसको कहते हैं विचरण, कहते तो विचरण लिख लीजिए या घूमना लिख सकते हैं, ट्रेवल या टूरिज्म कह सकते हैं। अगर विचरण नहीं होगा, घूमने का स्वतंत्र नहीं होगा, तो टूरिज्म कैसे होगा। तो ये 6 प्रकार की क्या है, आजादी दी गई है, बोलने का, संगठन बनाने का, निवास करने का, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का, व्यवसाय करने का, विचरण करने का। और ऐसी आर्टिकल 19(1)A में प्रेस की आजादी की बात की गई है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई, मीडिया। लेकिन ये जो आजादी दी गई है, ये आजादी क्या है, एक गरिमापूर्ण तरीके से अपनाएंगे तब होगा, कि आप उल्टा सीधा करेंगे तब इसको, कानून के हिसाब से नहीं करेंगे तब नहीं किया जाएगा। तो ये आपको बताया गया है आर्टिकल 19 में। तो इसको कहते हैं राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच के बारे में बोल गया कि आप बोलिए, आप संगठन बनाइए, निवास कीजिए, शांतिपूर्वक सम्मेलन कीजिए, व्यवसाय करिए, विचार करिए, ये सारे चीज भारत में कहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, सभी जगह नहीं, कुछ क्षेत्र हमेशा अपवाद होता है, उन क्षेत्रों में आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, इनके बारे में। और मीडिया की बात भी क्या है, इसमें की गई है, धन जी, मीडिया की जो बात की गई है वो भी क्या है, इसी में हमें बात की गई है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप में कोई आपातकाल लगता है ना, तो इसको खत्म किया जा सकता है, अगर आपातकाल लग जाएगा तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज यहाँ तक खत्म करते हैं।
किसी एक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए। कोई भी क्वेश्चन है कोई भी क्वेश्चन है किसी का तो आप लोग पूछिए, नहीं तो फिर कल आप लोगों से मुलाकात करते हैं। ठीक है, चलिए तब।